अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्रम शहजाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने eHostPK प्राइवेट लिमिटेड से होस्टिंग ली हुई है और उस होस्टिंग को आप किसी बैक डेट के ऊपर रिस्टोर करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दो चीज़ें हैं, आपके पास cPanel होस्टिंग है और इसके अलावा आपके cPanel के अंदर जेट बैकअप की ऑप्शन आ रही है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। cPanel अकाउंट आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद नीचे फाइल सेक्शन और जेट बैकअप में आ जाएं। जेट बैकअप पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के लिए वेट करें, जैसे ही जेट बैकअप लोड होगा आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। जेट बैकअप लोड होने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं कि आप फुल अकाउंट का बैकअप रिस्टोर करना चाह रहे हैं, किसी फोल्डर का, क्रॉन जॉब का, इसके अलावा डेटाबेस, यूज़र डेटाबेस का जो यूज़र है उसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल फुल अकाउंट का बैकअप रिस्टोर करना चाह रहा हूँ, तो फुल बैकअप पर मैंने क्लिक किया। आगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं कि आप कौन सी डेस्टिनेशन के ऊपर, आगे आपके पास मल्टीपल डेट्स के बैकअप आ रहे हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें कौन सी डेट ये ऊपर आपने बैकअप रिस्टोर करना है और रिस्टोर पे क्लिक कर दें। आगे वो पूछ रहा है डेटाबेस, कौन सी डेटाबेस, और क्योंकि मैंने बैकअप डेटाबेस का रिस्टोर नहीं करना और ना ही डायरेक्टरी का करना है और ना ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन का, ना ही DNS जोन का और ना ही डेटाबेस यूज़र, मैंने सिर्फ क्रॉन जॉब को रिस्टोर करना है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, रिस्टोर सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक कर दिया, बैकअप रिस्टोरेशन प्रोसेस में चला गया। जैसे ही ये कंप्लीट होगा और आपको ईमेल आ जाएगी cPanel के एंड से। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।